हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि जब हम किसी महंगी वस्तु की परत किसी सस्ती वस्तु पे चढ़ाते हैं तो ये चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा चढ़ाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, इस प्रेस के ऊपर जो सोल प्लेट लगे होते हैं उसके ऊपर परत चढ़ाव होता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा चढ़ाया जाता है। या इमर्सन हीटर, जो पानी गर्म करने वाला है, जो होता है इमर्सन हीटर, उसमें भी जो है परत चढ़ाव होता है। किसके विधि, कौन सा विधि के द्वारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विधि के द्वारा। जैसे चांदी की परत किसी हम पीतल की वस्तु पे चढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि वो सुंदर दिखेगा और क्या होगा उस पर जंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम महंगी वस्तु को कपड़ा किसी सस्ती वस्तु पे चढ़ा देते हैं और वो देखने में भी सुंदर लगेगा, वो हमको कॉस्ट भी उस पर बनाने में कम खर्च होगा। तो ये विधि को देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का विधि का प्रयोग करके महंगी वस्तु को किसी सस्ती वस्तु की के ऊपर परत जमाया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि में क्या होता है कि जिस वस्तु को हमको चढ़ाना होता है उसी के अनुसार ही उसमें घोल डाला जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि एक पात्र लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही हम जो है उसके ऊपर परत को चढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही समझ में आ रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करके ही उसमें हम परत को चढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे हम एक एनोड और एक कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस वस्तु की परत चढ़ाना होता है उसको हम एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे जिस वस्तु की परत चढ़ाना होता है उसको हम एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यह हमारा एनोड है, ये क्या है एनोड, और इसी वस्तु के कपड़ा इसके ऊपर पे चढ़ाना है। तो ये हमारा यदि सिल्वर या चांदी, यहाँ ये हमारा जो एनोड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ये कौन सा धातु है, चांदी का परत हमको किसी पीतल की वस्तु पे चढ़ाना है। तो ये हमारा चांदी का रड डाले और यहाँ पे ये क्या है हमारा पीतल, ये हमारा पीतल और ये हमारा किसका कार्य करेगा कैथोड का, ये कौन सा कार्य करेगा कैथोड का, ये हमारा क्या है कैथोड। अब इसी वस्तु का परत हम इसके ऊपर चढ़ाना है। अब जब हम इस दोनों रड को एक पात्र में डालते हैं और इसमें जब हम एनोड और कैथोड के बीच में डीसी सप्लाई देते हैं और इसमें कौन सा डीसी, शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब हम इसमें एक डीसी शंट जनरेटर को जोड़ देते हैं ये देखिए जनरेटर को जोड़ देते हैं, ये हमारा आर्मेचर हो गया, उसके बाद शंट जनरेटर है,
इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, संट फील्ड होगा। ये देखिए डीसी जनरेटर है, ये संट जनरेटर, इसलिए संट फील्ड होगा। संट फील्ड का मतलब वो पैरेलल में होगा आर्मेचर और किसके, ये हो गया। अब यहां पे हम कम और अधिक करने के लिए एक अलग से वाइंडिंग डाल दिया जाता है, ये एनोड को जोड़ दिए। अब यहां पे एक हम रिहोस्टेट को लगा देते हैं, प्रतिरोध। और इस एनोड कैथोड के द्वारा हम आवश्यकता अनुसार इसको लगा देते हैं। किसके अनुसार लगाते हैं, आवश्यकता अनुसार। यहां पे एक फिर परिवर्तनशील प्रतिरोध को लगा देते हैं रिओस्टेट। ये क्या है हमारा, संट फील्ड। ये क्या हमारा रिओस्टेट। ये क्या हमारा आर्मेचर। कौन सा जनरेटर, ये डीसी संट जनरेटर। अब देखिए यहां पे हम डीसी संट जनरेटर से एनोड और कैथोड को जोड़ दिए। एनोड जो कि चांदी का है, ये मैगी वस्तु है, और ये हमारा कैथोड क्या है, पीतल है, जो कि सस्ती वस्तु है। इस मैगी वस्तु का पराग हम जब सस्ती वस्तु के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें जब हम परत चढ़ाते हैं, अब इसमें किस चीज का घोल को डालना होगा, क्योंकि यहां पे जब तक हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में घोल को नहीं डालेंगे तब तक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसमें चालक करने चालक चाहिए। तब न यहां से, जब तक यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर क्या होगा, परत जमा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो घोल डाला जाता है किसके अनुसार, जो वस्तु के ऊपर हमको परत चढ़ाना होता है उसी के अनुसार ही हम इसके ऊपर इसमें घोल को डालते हैं। जैसे हम चांदी की वस्तु का परत पीतल के ऊपर पे चढ़ाना है तो इसमें क्या होगा, हमको सिल्वर नाइट्रेट का जो है घोल डालना होगा। इसका घोल डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका घोल को डालेंगे। किसका घोल डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि हम यहाँ पे सिल्वर का, चांदी सिल्वर का ही परत हमको इसके ऊपर पे चढ़ाना है। तो जो हमारा एनोड जिस जो वस्तु का जिसके ऊपर चढ़ाना होता है, जिस वस्तु का, उसी के अनुसार हम घोल को डालते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि जिस वस्तु को परत चढ़ाना होता है उसको हम कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, और जिस वस्तु का परत चढ़ाना होता है उसको हम एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं और एक पात्र में रख लेते हैं। उसके बाद इस
एनोड जो वस्तु होगा उसी के अनुसार हम उसमें घोल को डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एनोड का एक सिरा और एक कैथोड का सिरा लेते हैं और इसमें हम डीसी शंट जनरेटर के द्वारा हम करंट प्रवाहित करते हैं। अब जितना हमारा कम अच्छा परत चढ़ाना होता है तो हमको क्या करना होता है, कम एम्पियर का धारा प्रवाहित करना होता है और ज़्यादा लंबे समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये जो परत होगा वो अच्छा जमेगा। अब जैसे देखिए, जब हमारा यहाँ पे एनोड चलेगा में करंट फ्लो होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका परत ये हमारा क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा और इसके ऊपर जाके जमा होगा तो ये क्या होगा, घटेगा और इसकी वेट क्या होगा, कम हो जाएगा और इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से जमा होते हुए चला जाएगा। अब जब ये जमा होते हुए चला जाएगा तो इसको और सुंदर देखने के लिए बफिंग प्रक्रिया का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, विद्युत प्रेस जो होता है उसका जो सोल प्लेट होता है उसके ऊपर भी जो है विद्युत प्रेस में जो है किस चीज का परत चढ़ा होता है, निकेल का जो है परत चढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग सोल प्लेट को लगाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, निकेल को डालते हैं। अब इसके बाद या तो इमर्सन हीटर, उसके ऊपर भी परत चढ़ा होता है। तो जिस वस्तु के ऊपर हमको परत चढ़ाना होता है उसको हम कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं और कौन सा करंट देते हैं, हम लोग डीसी करंट देते हैं और कम एम्पियर की करंट को देना है। और उसके बाद जो है इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा एक महंगी वस्तु का सस्ती वस्तु के ऊपर परत चढ़ा दिया जाता है और वो जो है देखने में सुंदर भी लगता है, प्लस क्या होता है, जंग से बचाता है और वो वस्तु क्या हो जाता है, सस्ता भी हो जाता है। तो आज हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा किस प्रकार से हम लोग एक महंगी वस्तु का परत सस्ती वस्तु के ऊपर चढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बस अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।